आज की हमारी वीडियो इस एक चम्मच के ऊपर, ये एक चम्मच आपके पौधों के अंदर कमाल कर देगा इंशाल्लाह। वीडियो को देखिएगा, इजीली आप भी अपने घर के अंदर इसको कर सकेंगे। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। इस चम्मच को सबसे पहले मैं साइड पे रखता हूँ और बताता हूँ कि ये कब आपने इस्तेमाल करना है। इसको करते हैं साइड और इजीली रखूंगा मैं ताकि गिरे ना। हाँ, अभी बात कर लेते हैं इस पौधे के ऊपर। ये ग्रीन चिली का पौधा है और ऊपर इसके फ्लावरिंग आ रही है, ये देखें, ये फ्लावर भी आ रहे हैं। और ये एक चम्मच से इंशाल्लाह फ्लावरिंग भर के भी आएगी, कोई कीड़े नहीं लगेंगे, कोई कीड़ी नहीं आएगी आपके पौधों के ऊपर, कोई फंगल अटैक नहीं होगा आपकी मिट्टी के अंदर। जो मिट्टी के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जड़ें मोटी हो जाती हैं, अगर देखो निकालें तो जड़ें बीच बीच में से बलून की तरह फूलना शुरू हो जाती हैं, वो एक बीमारी है, वो एक फंगल अटैक होता है जिसकी वजह से पूरा पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि अक्सर हमारे पौधों के ऊपर कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और जल्दी वो जान ही नहीं छोड़ते। हम मुख्तलिफ रेमडीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर भी वो जान नहीं छोड़ रहे होते। इंशाल्लाह ये भी एक रेमडी है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कीड़ियाँ और कीड़े जो पौधे के ऊपर आते हैं वो आते क्यों, इसका रस चूसते हैं पौधे के, तोरी के पौधे के ऊपर, कद्दू के पौधों के ऊपर, हर किस्म के पौधों के ऊपर बहुत सारा कीड़ियाँ गर्मियों के सीजन में खास तौर पर आ रही होती हैं, उनको भगाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी आपको टिप भी देता चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि ग्रीन कलर के कीड़े लग जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और देखने से, आम देखने से हमें पता नहीं चलता, पौधे को हम दूर से देखेंगे नहीं पता चलेगा। जब तक पौधे को अच्छी तरह पत्तों के इधर उधर करके ना देखेंगे तब तक वो कीड़े नज़र नहीं आते, और पौधा आस्ता आस्ता सा हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसे लगता है कि पौधे के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो पौधा ऐसा क्यों हो रहा है। पौधे के लिए ऊपर लाजमी ग्रीन कलर के कोई ना कोई कीड़े इसके शाखों के अंदर घुसे होंगे, पत्तों के नीचे घुसे होंगे, जो पौधे का रस चूसते रहते हैं और पौधे को नुकसान पहुँचाते रहते हैं और पौधे का साइज भी बड़ा नहीं होता। अभी आ जाते हैं इस मैजिक चम्मच की तरफ। ये मैजिक चम्मच करेगा क्या कि जो मैंने अभी आपको बताया जितनी भी चीज़ें, ये एक चम्मच ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीका आप ज़रूर आजमाइएगा। पहला तरीका ये है कि जो कीड़े और कीड़ियाँ और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े लग जाते हैं पौधों के अंदर रस चूसने वाले, उनसे जान छुड़वाने के लिए अगर आपके पौधों के ऊपर अभी नहीं लगे हुए तो आप फिर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरीके से हवा चल रही है जिसकी वजह से ये उड़ रही है, ये देखें। हौसला करें, सब कुछ बताता हूँ, परेशान नहीं होना आप। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत इजी काम है। हाँ, मैं यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो पौधे को एक दफ़ा शावर कर लेना है सादा पानी का। अगर कोई आपको लगता है कि ऊपर कोई छोटे मोटे कीड़े हैं कीड़ियाँ हैं तो तेज़ शावर आप करेंगे ताकि वो नीचे उतर जाएं, उसके बाद फिर इसका छिड़काव कर देंगे पूरे पौधे के ऊपर। तो अच्छी तरह नीचे से भी ऊपर से भी अगर पानी लगा होगा तो ये इजीली पूरे पौधे के ऊपर आराम से ये आपका पाउडर बैठ जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं जी मिट्टी की। मिट्टी के अंदर इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सिंपल तरीका है। 12 इंच के पॉड के अंदर आप एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे और इसको यूं बखेरेंगे। अच्छा, ये करता क्या है, उसके अलावा क्या करता है, उसके अलावा ये काम करता है, ये एक एज ए खाद भी है, ये खाद भी बहुत ज़बरदस्त है जो आपके पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो आपने इसको यूं बखेर कर फिर मिट्टी से ऊपर ऊपर मिक्स करना है, इसको यूं दोनों हाथों से मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करें इसको ऊपर वाली सतह पर। ये लें, हो गया जी, बहुत सिंपल तरीका था। अब हमने करना ये है कि इसको पानी दे देंगे, पानी देंगे तो ये जो पाउडर है वो आस्ता आस्ता सा नीचे चला जाएगा, जड़ों के पास चला जाएगा, कोई अगर फंगस लगने वाली भी है तो इंशाल्लाह उसको भी नहीं लगने देगा। ये आपने ऐसा नहीं करना कि आपके पौधों के ऊपर बीमारी आए तो तब आपने ये काम इस्तेमाल करना है, नहीं नहीं नहीं। देखें, इस पौधे को अभी कुछ भी नहीं हुआ फिर भी मैं इसके ऊपर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे पौधे के ऊपर कोई अटैक ना हो, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हाँ, बैंगन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, चले आए ज़रा। ये मेरा बैंगन का पौधा है और इसके ऊपर देखें मैंने हल्दी फेंकी हुई है, और मैं बताता हूँ क्यों फेंकी थी। लें जी, यहाँ पे आए कि बैंगन के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने हल्दी फेंक दी थी। ये देखें, कीड़े बेचारे परेशान हैं, कोई किसी एक जगह पे रुक नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, ये कीड़े आए क्यों थे, ये बहुत समझने वाली बात है। ये इस वजह से आए थे कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कीड़ा आपको दिखाई देगा और शुरू में ये ग्रीन कलर का होता है। आ जाओ भी आ जाओ, ये देखें मेरे हाथ पे, ये देखें है ना,
ये ग्रीन कलर के कीड़े बड़े हो गए ब्लैक हो जाते हैं और हार्ड किस्म के ये कीड़े बन जाते हैं। इनका एक वर्जन यहाँ कहीं घूम रहा होगा। ये पत्तों को खाते हैं, पत्तों का रस चूसते हैं, तो पीछे अंडे देते रहते हैं, और ये जो कीड़े हैं वो इनके अंडे आके उठाते भी हैं और इनका जो रस निकालते हैं पौधे के अंदर से वो रस को चूस रहे होते हैं बेसिकली ये कीड़े। और जो अंडे उठाने वाला सीन वो इतना नहीं करते ये, क्योंकि अगर अंडे उठाने वाला सीन करते होते तो ये इनकी ग्रोथ आगे ना बढ़ती। पूरे पौधे के ऊपर ये लगे हुए हैं। तो इसका एक और सिंपल तरीका था जो मैंने नहीं किया और मुझे बाद में ये कीड़े दिखाई दिए थे, वो ये था सादा पानी का आपने स्प्रे करना है तेज़ शावर की मदद से तेज़, और उससे ये सारे कीड़े उतर जाएंगे। उसके बाद आपने हल्दी फेंक देनी है इसके ऊपर, और ये देखें कितने ज़्यादा इसको लगे हुए हैं, इसी वजह से ये कीड़े जान नहीं छोड़ रहे थे। इंशाल्लाह ये हल्दी डालने से ये होगा कि एक दो दिन बाद मैं इसको फिर तेज़ पानी का स्प्रे कर दूंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर राख इस्तेमाल कर दूंगा। अभी मैं बताता हूँ ये पाउडर है कौन सा, बहुत सारे दोस्तों को पता चल गया होगा ये पाउडर कौन सा है। इन कीड़ों की भी ऐसी की तैसी करेंगे इंशाल्लाह, और यही जो हमारे बैंगन का पौधा है ये बड़े बड़े बैंगन भी अपने ऊपर लगाएगा। अभी देखें कीड़ों से बड़ा हुआ है, इंशाल्लाह इसको हम ऐसा कंट्रोल करेंगे कि ये बैंगन भी लगाएगा और पौधे का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। ये जो पाउडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है हल्दी, मेरे पास प्योर हल्दी है, कोई केमिकल वाली हल्दी नहीं है। तो अक्सर मैं हल्दी बेच भी रहा होता हूँ, बहरहाल हल्दी का कोई सीन नहीं मैं बताने वाला, सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने हल्दी को इस्तेमाल करना है और एक चम्मच 12 इंच के पॉट के अंदर ज़बरदस्त है। आपने पौधे को पहले गीला कर लेना है, फिर हल्दी उसके ऊपर बिखेर देनी है, वो चिपक जाएगी इसके साथ और जो बाकी गिरेगी वो सारी मिट्टी के अंदर गिर जाएगी, और आपने मिट्टी को आसा सासा ऊपर से गोडी करके पानी दे देना है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसको दोबारा कब इस्तेमाल करना है। इसको आप दोबारा 12 या 13 दिन के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी को। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रेमडीज़ मौजूद हैं जो प्योर ऑर्गेनिक हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। आपको वीडियो की समझ अच्छी तरह लग गई होगी, बहुत सिंपल तरीका था, कोई रोकड़ साइंस नहीं थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।